तो हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप बहुत अच्छी होगी। हम लोग बात करने वाले हैं जो ट्वेल्थ में जो हमारे परिंदे हैं वो अब क्या करेंगे। देखिए दिसंबर आ रहा है, आप लोगों की डिमांड है वन शॉट वीडियो की। मैं कहता हूँ दूंगा, लेकिन जनवरी में आपको वन शॉट वीडियो दूंगा, ठीक है। दिसंबर में हमको सिलेबस को कम्प्लीट करना है। और देखिए आप ये समझ लीजिए, जब आप एक चैप्टर को NCERT बेस्ड आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, पूरा आप अच्छे तरीके से एक एक लेक्चर देख लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वन शॉट वीडियो में खाली आपको ना लेवल लेवल दिखाया जाएगा, टॉपिक टॉपिक, ये टॉपिक आपके NCERT में हैं, ठीक है। कोई भी टॉपिक, आप लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, बायोटेक्नोलॉजी बहुत कठिन है, लेकिन अधिकतर बच्चों की डिमांड थी, अधिकतर मेरे परिंदों की डिमांड थी, ठीक है। मेरे परिंदे भी डिमांड किए थे कि सर, कि भैया सर, है ना, आप वन शॉट वीडियो लाओ बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। बताओ बायोटेक्नोलॉजी जहाँ 6-7 घंटे में ख़त्म होगी, उसको मैं यदि 1-2 घंटे में ख़त्म करूँगा, तो आप खुद सोच सकते हो मैं उसमें कितना आपको कंटेंट दे सकूँगा, कितना मैं आपको पढ़ा सकूँगा, बताइए। जब आप रिफरेंस पढ़ लेते हैं ना, पूरा रिफरेंस, तो बायोटेक्नोलॉजी के अब कोई भी क्वेश्चन आएंगे ना आपसे छूटेंगे नहीं, है ना। कोई भी क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आ रहा है, सपोज दैट वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आप क्या करेंगे? कुछ ना कुछ उसको जोड़ के लिख के आएंगे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से जोड़ के घुमा फिरा के कुछ भी करके उसे लिख के आएंगे, कंप्लीट करके आएंगे। और आपको पता है कि बोर्ड में अगर कॉपी भरी होती, हमारा कलम चलता है ना, तो नंबर हमको भर झोला मिलते हैं, एक झोला भर के वो नंबर हमको दे देता है, ले जा भैया, ले जा, जा जा जा, ऐसे होता है। यदि कॉपी छोड़ के आओ तो नंबर नहीं मिलेगा। जब रिफरेंस पढ़ रखोगे ना तो अच्छे से लिखोगे। अब बायोटेक्नोलॉजी तुमने वन शॉट वीडियो देख लिया, बुक खोल रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर डिप्रेशन में चले गए, यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं। इसलिए कभी भी ना डीपली चीज़ों को पढ़ो, जब तुम किसी भी चीज़ को डीपली गहराई तक जा करके पढ़ोगे ना तभी कुछ मिलेगा। अच्छा हमें एक बात बताओ, जो कुआं होता है, कुआं के लिए कि थोड़ा सा इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया जाता है, फिर देखा जाता है पानी आ रहा नहीं आ रहा, क्या दूसरी जगह खोदने लगते हैं क्या? नहीं खोदते ना, क्या करते हैं उसी गड्ढे को बार बार खोदते हैं, बहुत अंदर तक खोदते हैं। जब बहुत अंदर तक खोदते देखते अरे पानी आ गया, इसलिए गहराई तक जाओ किसी चीज़ के, ठीक है। वो क्या कहना चाहते हैं, सब कुछ के बारे में नॉलेज रखो, तभी आप इनकेस इन फ्यूचर आगे जा सकते हो, ठीक है। बस यही बात कहने वाला था, सारी चीज़ों को डीपली पढ़ो, ठीक है, बहुत वक्त है तुम्हारे पास, बस रिलैक्स रहो और किसी भी डिस्ट्रैक्शन पर अपना ध्यान मत दो, अपना फोकस और कहीं पर मत लगाओ, बस पढ़ाई पर अपना फोकस लगाओ, ठीक है। और कोई दिक्कत होती है तो बायोमन आप लोगों के साथ है, आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैंने अपना ऑफिशियल नंबर भी दे रखा है, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं अपना ऑफिशियल नंबर भी आप लोगों को दे दूंगा। तो चलो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।